हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करेंगे इक्विटी मार्केट की। इक्विटी मार्केट की कल मंगलवार है, कल की रणनीतियों के ऊपर बातचीत करने के पहले हमने आज के लिए क्या रणनीतियां बनाई थी उसका एक छोटा सा ओवरव्यू कर लें, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे कि कल के लिए क्या रणनीतियां नजर आ रही है। आज के लिए कोई रणनीति बाय द वे बनाई नहीं थी, फ्राइडे को मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, सैटरडे संडे बाबा महाकाल के दर्शन करने गया था, इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। लेकिन पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे मैंने आज एक कॉल दी थी, दो कॉल दी थी इनफैक्ट, जिससे कि आज आप लोगों का दिन खराब नहीं हुआ, और वो टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो पॉजिटिव कॉल गया, और हमने उसमें आज 1% के आसपास कैपिटलाइज किया है अपनी इन्वेस्टेड पूंजी का। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो 10,000 रुपए का मुनाफा हुआ होगा, 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो 1,000 रुपए का मुनाफा हुआ होगा। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कल की आज के लिए कोई रणनीतियां बनाई नहीं थी, तो कल के लिए क्या रणनीतियां नजर आ रही है, क्या निफ्टी के बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं, क्या मैजिकल फिगर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हमारी होल्डिंग पर हैं या फिर नहीं है, कल क्या रणनीतियां नजर आ रही है, कहां पर बाय सेल बनता है, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं, क्या हमारे मैजिकल फिगर होंगे, उन सब की बातचीत करेंगे एकदम छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। बात करूंगा निफ्टी की। निफ्टी का सपोर्ट लेवल कल निकल के आ रहा है 14,200 का और 14,080 का, मैजिकल फिगर 14,290 का, 14,290 का मैजिकल फिगर, और आज की क्लोजिंग देखिएगा 14,289 बराबर मैजिकल फिगर पर आकर वो क्लोज हुआ है। हालांकि 250 के आसपास लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, लेकिन जो उसका लास्ट 30 मिनट्स का वेटेड एवरेज निकाला जाता है वो 290 का आया है, और वही है हमारा मैजिकल फिगर। कल के लिए इसके रेजिस्टेंस, अच्छा मैजिकल फिगर के इर्द गिर्द चल रहा है, लेकिन इसको 14,200 में भी बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है और 14,000 का भी बेहद स्ट्रांग सपोर्ट है, तो मुझे ओवरऑल 14,000 के नीचे नहीं लगता है। लोग बातचीत कर रहे हैं बजट से पहले 13,200 आ जाएगा, 13,500 आ जाएगा, 13,000 आ जाएगा, लेकिन मुझे उसकी संभावना कम लगती है। अगर इनकेस आ गया तो माल बिंदास उठाना चाहिए। पहला रेजिस्टेंस 14,370, 14,530 मैजिकल फिगर जरूर इसका 14,290 का है, लेकिन 14,550 को जिस दिन क्रॉस कर देगा ये, उस दिन मुझे लगता है 15,100 के फिगर आ जाएंगे, और जब तक 14,000 रुपए को नहीं ब्रेक करता है तब तक इसमें भी डरने की कोई गुंजाइश नहीं है। बात करता हूं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के कल सपोर्ट नजर आ रहे हैं 31,475 और 31,300, 31,300 का इसके लिए बेहद स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस 31,970, 32,380 इसका मैजिकल फिगर, 31,925 का आज की क्लोजिंग आई, 31,815 की मैजिकल फिगर के नीचे क्लोज हुआ है बाजार। हो सकता है कल फर्स्ट हाफ में थोड़ा नीचे की टेरिटरी में ट्रेड कराए, अगर 31,300 के आसपास मिले, 31,475 के आसपास मिले तो वहां पर बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। 31,925 बैंक निफ्टी का मैजिकल फिगर, 14,290 का निफ्टी का मैजिकल फिगर। मैजिकल फिगर की डेफिनेशन बता देता हूं एक बार। मैजिकल फिगर हमारे ऐसे फिगर होते हैं जिसके नीचे चलने पर बाजार होता है मंदा, जिसके ऊपर चलने पर बाजार होता है तेज, शॉर्ट टर्म के लिए लिहाज से, यानी कि 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 15 दिन के लिहाज से। ओवरऑल बाजार की लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर विजन लिया जाए तो जब तक ये 11,000 को ब्रेक नहीं करता, जब तक बैंक निफ्टी 26,000 को ब्रेक नहीं करता, तब तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल नहीं आएगा। जो भी होंगे वो सिर्फ करेक्शन होंगे, और मेरा ऐसा समझना है कि करेक्शंस में सपोर्ट के आसपास माल लेना चाहिए, ऐसे मार्केट में गिरते हुए मार्केट में सबसे ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं। बात करता हूँ आज के लिए क्या स्टॉक्स लिए थे। आज पब्लिक टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैंने रिलायंस बाय करने दिया था 1958 के आसपास, 1944.90 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था, 1984 का टारगेट दिया था। आज इसका हाई पोस्ट हुआ है 1997, लो पोस्ट हुआ है 1923.35, क्लोज हुआ है 1983 में, यानी कि जो टारगेट दिया था बराबर वहीं पर आके क्लोज हुआ है। 1% के आसपास इसमें कैपिटलाइज किए होंगे। जो लो पोस्ट हुआ वो कॉल जनरेट करने के पहले हो चुका था, कॉल जनरेट करने के बाद ये 55 रुपए के नीचे नहीं गया, तो कुछ तो मिला, उस बात की संतुष्टि है। थोड़ा सा डल भी लग रहा हूँ, बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, क्योंकि आप लोगों के समक्ष वीडियोस और कोई मिस नहीं करने थे, इसीलिए
रेस्ट नहीं कर पाया हूँ, तो थोड़ा सा डल चेहरा है, थोड़ा सा मायूस दिख रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। बाबा महाकाल के दर्शन बहुत अच्छे हुए और अचानक से प्लान बना, कोई प्री प्लान नहीं था, इसलिए आप लोगों को सूचित भी नहीं कर पाया, लेकिन पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मैंने अपनी लोकेशन जरूर शेयर की थी। बात करता हूँ कल की। अच्छा, एक और स्टॉक दिया था पब्लिक टेलीग्राम चैनल में, एशियन पेंट को बाय करने कहा था 2516 के आसपास, 2516 के आसपास 2555 का इसका लो पोस्ट हुआ, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ हो पाया, तो इसको परफॉर्मेंस शीट में कहीं रिकॉर्ड नहीं किया है। बात करता हूँ कल के लिए कौन से स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। कल आईसीआईसी बैंक को बाय करेंगे 523-524.50 के आसपास, 520.45 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 536 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। दूसरा स्टॉक होगा हमारा एचडीएफसी बैंक, 1470-1475 के आसपास बाय करेंगे, 1444 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 1510 रुपए तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तीसरा कॉल होगा हमारा विप्रो, विप्रो को बाय करेंगे 411.50 रुपए 413 रुपए के आसपास, 409.90 रुपए का एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, टारगेट 432 रुपए के। चौथा स्टॉक होगा हमारा मारुति, मारुति को 7750 ऑल टाइम 7 यानी 7750-7770 के आसपास बाय करेंगे, 7580 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 8080 रुपए तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। ये होंगे हमारे कल के लिए चार स्टॉक्स एकदम आसान भाषा में, कहाँ सपोर्ट ले सकते हैं बाजार, कहाँ रेजिस्टेंस ले सकते हैं, कौन से स्टॉक लिए जा सकते हैं, कौन से स्टॉक्स को होल्ड किया जा सकता है। मैं जितनी भी बातचीत इक्विटीज की करता हूँ वो एनएससी इक्विटीज की होती हैं, तो आप लोग इसको बाय करके जब तक टारगेट अचीव नहीं होता, जब तक स्टॉप लॉस नहीं होते, तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जो भी बातचीत मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की करता हूँ वो करंट मंथ फ्यूचर की एक्सपायरी की होती है, जैसे कि आज मैंने बात की 28 जनवरी 2021 की एक्सपायरी वाले की। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो धपाक से जाते जाते प्यार मोहब्बत वाला एक लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सोशल मीडिया की लिंक होती है, स्पेशली पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि इस तरह की आज जो रणनीति मैंने आज पब्लिक टेलीग्राम चैनल के थ्रू दी, उस तरह की रणनीति मैं कभी कुछ बहुत अच्छा लगता है या फिर कभी कोई सरप्राइजिंग कॉल देना होता है तो मैं वहाँ पर जरूर पोस्ट करता हूँ। और जो यूट्यूब के माध्यम से दिए गए कॉल्स में कोई फेरबदल होती है तो वहाँ पर जरूर अपडेट करता हूँ। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि पब्लिक टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करें और इंटेलिसिस का पब्लिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कुछ अकाउंट ओपनिंग के लिंक होते हैं, आप चाहें तो उन्हें क्लिक करके अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कर सकते हैं एग्जीक्यूट मेरी बताई हुई रणनीतियों को और पा सकते हैं बहुत सारे एक्सक्लूसिव गिफ्ट बेनिफिट्स। उसके लिए आपको इंटेलिसिस के कस्टमर केयर पर संपर्क करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।